बात करेंगे चमोली की। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जिले में कृषक महोत्सव की शुरुआत हुई है। जिला पंचायत गोपेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर कृषक महोत्सव का शुभारंभ किया। 2 नवंबर से 8 नवंबर तक आयोजित होने वाले कृषक महोत्सव में काश्तकारों को सरकार ने संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारियां दी जाएगी। जिला अधिकारी ने जिला पंचायत गोपेश्वर में विभाग की ओर से लगाए गए स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। वहीं विभागीय अधिकारियों ने जिला पंचायत सभागार गोपेश्वर में काश्तकारों को विभागीय योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। बता दें कि 6 जागरूकता वाहनों से जिले भर के 39 न्याय पंचायत में जाकर प्रचार प्रसार किया जाएगा और सजन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी काश्तकारों को दी जाएगी। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। इसको कम करने के लिए अगर घर का बीज बो रहे हैं तो बीज शोधन करें, वैसे हमारे विभाग में जैसा मैंने बताया आप ले सकते हैं। देखिए आज ही कृषि विभाग द्वारा आयोजित कृषक महोत्सव जो पूरे प्रदेश स्तर पर आयोजित किया जा रहा है, हर जनपद में और नए पंचायत स्तर पर भी इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। और आज के टाइम पर जैसे 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी घोषित किया गया, तो उसमें हमारे जनपद में कई ऐसे उत्पाद हैं जो इसकी श्रेणी में आते हैं, जैसे मंडुआ है, झंगोरा है, तो उनको प्रमोट करने के लिए क्योंकि बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू है उनकी, बहुत ज़्यादा पौष्टिक रूप से इसको बताया जाता है। और जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत है रबी कृषक महोत्सव, इसमें यह है कि हमारे 6 रथ बने हुए हैं और आज चूंकि इसका उद्घाटन है और प्रत्येक न्याय पंचायत में, यानी चूंकि 39 न्याय पंचायत जनपद में, तो 39 न्याय पंचायत में ये रथ जाएंगे और कृषि पशुपालन मत्स्य सब जितने लाइन डिपार्टमेंट है अपने अपने विभाग की वहाँ जानकारी देंगे और कृषि में रथ भी वितरण करेंगे ताकि किसानों को उसका फायदा हो सके। टेक्निकल जानकारी और हम पूरी जैविक खेती करते हैं और उसमें सारी जैविक दालें उत्पादन जैसे मसूर दाल छोटे हो गए, उड़द हो गई और सोयाबीन हो गया, काले भट्ट हो गए, मंडुए का आटा है, घर के चावल हैं, ये हम सारी जैविक खेती करते हैं और हम अपना स्टॉल स्वयं लगाते हैं और इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है।